लाए बार पे, ये आपका नीचे नहीं जा सकता, ऊपर ले गए ऊपर। Hey guys, welcome again. और हमने बार बना लिया, मूवमेंट कर लिया, लेकिन अभी तक हम इसे बाउंड्री में रिस्ट्रिक्ट करना नहीं सीख पाए। तो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि आप काम खुद से ट्राई करो, होपफुली आपने कर लिया है। अगर नहीं किया है तो मैं बता देता हूँ, बहुत ही ईजी है, ठीक है। आपके लेफ्ट वाई और राइट वाई को बस कंट्रोल करना है। क्या करना है, अगर आपका लेफ्ट वाई अप साइड से जीरो से छोटा हो जाता है, ठीक है, तो क्या करना है आपको, जो है लेफ्ट वाई की वैल्यू जीरो ही रखनी है, या फिर इक्वल भी होता है, जीरो से छोटा हो जाता है, जीरो के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो आपको उसको जीरो ही रखनी है, सिंपल है। सेम अगर वही चीज आपका लेफ्ट वाई, चूंकि 100 उसकी हाइट है, ये अगर है तो ये अगर जाके यहाँ रिस्ट्रिक्ट ना हो, नीचे चला जाए, दिक्कत वाली बात है ना। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट तो यहाँ होगा, लेफ्ट वाई पॉइंट यहाँ होगा, 100 यहाँ, यानी कि ये पॉइंट लेफ्ट वाई प्लस 100, अगर ये ज्यादा हो जाए या इक्वल हो जाए 600 से हाइट, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाई को वहां पे भी रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। कहाँ पे लेफ्ट वाई को कहाँ रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, 500 पे, ठीक है। 500 पे क्यों, क्योंकि हाइट है 600, या फिर 600 ना रखो आप, हाइट रखो, ठीक है, क्योंकि आप स्क्रीन मान लो वेट चेंज कराना चाहो तो दिक्कत ना हो। तो ये आपके 500 तक ही सीमित रहे, मतलब ये सिर्फ यहीं तक है, नीचे और आगे ना बढ़े, ठीक है। मुझे लगता है ये बहुत ही आसान था, ठीक है। तो आपने ये ऑलरेडी कर लिया होगा, अगर कर लिया है तो ये वीडियो आप स्किप कर सकते हो, आसान बोल के सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो करेंगे अगेन, और अरे इसको कॉपी क्यों नहीं कर लेते, ठीक है। बस यहाँ पे हम क्या रखेंगे, लेफ्ट वाई की जगह पे राइट वाई रखेंगे, ठीक है। राइट वाई यहाँ पे भी रखेंगे राइट वाई, दोनों की कंडीशन सेम रहेगी, तो इसीलिए, ठीक है, ओके गुड। तो ये हमारा एक तरह का बन गया, सेव करते हैं, रन करते हैं और देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं। तो मैं बार है नीचे लाए बार पे, ये आपका नीचे नहीं जा सकता, ऊपर ले गए ऊपर नहीं जा सकता, लेफ्ट बार में देखें, नीचे ले गए नीचे नहीं जा सकता, ऊपर ले गए ऊपर नहीं जा सकता, तो ये आपका लिमिटेड है, ठीक है, ओके गुड। अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है कि हमने बार भी बना लिया, सब कुछ बना लिया, हम बस स्कोर पॉइंट पर फोकस करना है कि कैसे हम स्कोर मैनेज करेंगे, ठीक है। दैट्स इट, स्कोर लाएंगे, स्कोर को प्रिंट करेंगे, बस हमारा गेम बन गया। उसके बाद आप जो चाहो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगेन नए टॉपिक के साथ, कुछ नया करेंगे। एंड थैंक यू एंड बाय।